दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30x50 का होम डिज़ाइन, जिसकी ये आप मॉडल देख पा रहे होंगे। इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो 30 फीट है और लंबाई की बात करें तो यहाँ पर 50 फीट है। तो इसका टोटल आज हम डिस्कस करेंगे। मॉडल ग्राउंड फ्लोर की बात करें, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, इसमें मैंने एक कार पार्किंग और एक छोटा सा ग्राउंड भी दिया है, मतलब 30x50 विद कार पार्किंग एंड प्ले ग्राउंड। पूरा आप देख सकते हो, खुला घर बनाया है मैंने। और यहाँ पर आप ये मॉडल देख रहे हो, मैं इसको पूरा ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ट्रांसपेरेंट और बेहतरीन से दिखेगा। तो अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे तो देखिएगा, आपको पूरा ऊपर से नीचे तक सब कुछ दिखाई देगा, कितने बेडरूम हैं और कहाँ कौन सी खिड़की गेट या जो भी लगा है, सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। सीढ़ी कहाँ पर लगी है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो ये ट्रांसपेरेंट मॉडल है और ये फ्रंट से आपका दिखने वाला है ऐसा, और जहाँ पर आपको एक कार पार्किंग और ग्राउंड भी दिखेगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी हटाने के बाद, अब ये मेन मॉडल होगा, ऐसा आपका घर दिखने वाला है स्टार्टिंग से। तो अगर आप ऐसे वीडियो और भी पाना चाहते हैं, ये एक मैंने सब्सक्राइबर ने बोला, सर 30x50 का मुझे एक घर बनाकर बताइए, तो मैंने उन्हीं के कहने पर यही बनाया है डिजाइन। और आप और भी अधिक वीडियो अगर चाहते हैं तो आप न्यूटेक नाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप रेड कलर के बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाते हैं, जैसे कि 20x45 का, 12x20 का, 25x50, 20x50, 40, बहुत सारे मतलब मॉडल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी आपके लिए सुटेबल है वो आप अपने लिए देख सकते हैं और उसी हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो जो आज का यहाँ पर टॉपिक, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वाला मॉडल है जो, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड फ्लोर की, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर पर आप देख सकते हो, आप ये आपका ऐसा दिखने वाला है ग्राउंड फ्लोर। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये फ्रंट है और ये इसका मेन गेट है। अब मैं इसका सबसे पार्टीशन आपको बता देता हूँ, कितना मैंने पार्टीशन किया। अगर हम पीछे वाले पार्ट की बात करें तो दोस्तों, ये 14 फीट है, ये आपको तो पता है 30 है, अगर दीवारें निकाल दें अप्रॉक्स 29 बचेगा, और ये 14 फीट इसकी मैंने रखी है लंबाई। अब ये तो 14 फीट का हो गया, और ये भी 14 फीट का अप्रॉक्स आपका निकाल दिया मैंने, तो 28 फीट आपका ऐसे निकल जाता है, ठीक है। अब बचता है आपके पास 22 फीट, तो आगे का जो पोर्शन जो भी है, ये पूरा 22 फीट में बना है दोस्तों, 14, 14 और 22 फीट, ठीक है। ये तो पार्टीशन हो गया। अब मैं आपको डिस्कस करूंगा फ्रंट से। अगर हम बात करें तो ये जो मैंने बीच का पार्टीशन दिया है, ये 30 फीट टोटल चौड़ाई, तो 15-15 पार्टीशन दिया है। अगर आप दीवारें निकाल दें तो अप्रॉक्स 14-14 आपका स्पेस बचने वाला है। तो मेन गेट आपका ये दिया है, और ये जो टोटल 22 फीट था, तो इसमें मैंने अप्रॉक्स दोस्तों ये 8 फीट का ये टोटल पार्टीशन ये वाला निकाल दिया। 8 फीट ये है, 8 फीट ये है, और ये 12 फीट में आपका आगे ये कार पार्किंग ग्राउंड है। तो ये अगर इस कार पार्किंग की बात करें तो ये टोटल बचेगा आपका 14x12, ठीक है। 14 इसकी चौड़ाई और 12 इसकी लंबाई है। अगर इसकी बात करें ग्राउंड की, ये भी 14x12 का आपका ग्राउंड है। अगर आप ग्राउंड नहीं चाहते हैं तो अपना आप यहाँ पे रूम डिजाइन कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको चाहिए ग्राउंड तो आप ग्राउंड ही रहने दें। तो अब जैसे मेन एंट्री करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले जो ये 10 फीट का एरिया, 8 फीट का एरिया निकला था, तो इस पर मैंने एक रूम डिजाइन कर दिया ये दोस्तों, ठीक है। तो ये रूम की अगर हम बात करें तो इसकी 14 चौड़ाई थी, 14 यहां से यहां तक है और ये 8 है, मतलब कि इसका 14x8। अब ये 14 में मैंने ये 4 फीट का निकाल दिया दोस्तों, कंबाइंड आपका लेटरिंग और बाथरूम यहाँ पे आप बना सकते हो। ये जो आपको पार्टीशन दिख रहा होगा छोटा सा, ये आप मेन गेट इसका अंदर से रहेगा, ये लेटरिंग बाथरूम, ये आपका जो रूम बचेगा, ये 8x8 का एक रूम आपका फ्रंट में निकल आएगा अप्रोक्स। अब इस वाले रूम की बात करें तो ये दोस्तों मैंने 5 फीट का, ये टोटल यहाँ पे 14 था, तो ये मैंने 5 फीट का गैलरी दे दिया बीच में, जो आपका मेन दरवाजा होगा जिससे आप एंटर करेंगे सामने से, ठीक है। और ये जो बचता है आपका 14 में, यहाँ से 5 चला जाता है, तो 9x9 का अप्रोक्स ये आपका 9x8 का ये वाला एक रूम बन जाता है। अब जैसे आप अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये 14 का ये पार्टीशियन है, तो इस मैंने 29 को, 30 फीट जो चौड़ाई था इसका, 2 पार्टीशन कर दिया, 15 का अप्रोक्स बचेगा, 15 की ये आप 14-14 मान सकते हो, ठीक है। और इसके बाद ये इस रूम के लिए गेट दिया है, और इसे रूम के लिए, और ये खिड़की दिया है, और ये मैंने दोस्तों यहाँ पे सीढ़ियां बनाई है, ठीक है। आप यहाँ से चढ़ सकते हैं, और ये जो एरिया बचेगा ना, क्योंकि ये 14 फीट बहुत चौड़ाई होती है, ये आपका सीढ़ी मैक्सिमम अगर आप रखेंगे तो 3 फीट रखेंगे या 4 फीट रखेंगे, तब भी आप यहाँ पे 10 फीट का एरिया बच जाएगा। इसमें आप आसानी से अपना किचन डिजाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ओपन किचन रखा है, आप चाहें तो यहाँ पर दीवार खड़ा करके इसको चारों तरफ दीवार भी बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्पेस होगा, 14x10 का अप्रोक्स बहुत ही बड़ा स्पेस होता है। और बात करें, ये मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बनाया, यहाँ पर आप बहुत बड़ा सा हॉल बना सकते हो अपने गेस्ट के लिए, किसी के लिए भी, इसलिए मैंने जगह छोड़ दिया है।
तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे मैनेज करते हो। तो यहाँ पर आपको दो पीछे बड़े से बेडरूम मिल जाते हैं और आगे 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 दो भी आपको मिल जाते हैं, जो कि 10x10 अप्रॉक्स 9x9 का दो रूम मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे, तो पहले मैं स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ, ये आपका छत और ये आपका बाउंड्री है, और ये मैंने छज्जा दोस्तों 2.5 फीट का अप्रॉक्स आगे निकाल दिया, ये आपकी 2.5 फीट जगह और बढ़ जाएगी। तो अब जो पीस नीचे सेम पार्टीशन था वो ही बिल्कुल यहाँ पर पार्टीशन है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस दोस्तों इस वाले रूम में हो गया। जो यहाँ पर आपका लेटरिन बाथरूम था वो मैंने हटा दिया, इसलिए आपका ये रूम और भी बड़ा हो जाएगा अप्रॉक्स 14x8 का, ठीक है। और ये सेम टू सेम रूम है जैसा पीछे था। अब जो आपका जहाँ पर कार खड़ी थी ये आपका निकल आएगा एक बेहतरीन सा बालकनी टाइप का, और इसका बहुत ही बड़ा स्पेस होगा, ये आप देख सकते हो फ्रंट से आपको ऐसे दिखने वाला है। अब मैंने सामने ये दो खिड़कियां दे रखी थी जो जिस, और ये दोस्तों आप जो गोल गोल देख रहे हैं ना, ये आप खिड़की लगवा सकते हैं जिसमें जो भी आपका सुटेबल लगे, जो भी आप चाहें, क्योंकि यहाँ हवा पास करने के लिए भी घर में बेहतरीन सी जगह होनी चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट फ्लोर। अगर हम सेकंड फ्लोर की बात करें तो सेकंड फ्लोर पर मैंने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ इसको ढक दिया है और आपका आसानी से बहुत बड़ा छत निकल आता है। और ये जो ऊपर आप छोटा सा देख रहे हैं, सिर्फ ये सीढ़ी जो ऊपर से आई है ना उसको मैंने ढक दिया है, और यहाँ पर आपका गेट इस तरफ को खुलेगा। तो ये पूरा होम डिजाइन होगा, आपका मॉडल होगा घर का, आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रंट से ऐसा दिखने वाला है। और जहां पर आपको चार रूम नीचे मिलते हैं और चार रूम ऊपर मिलते हैं, दो बड़े बड़े बेडरूम मिलेंगे और दो छोटे छोटे, ये डिपेंड आप पे करता है। अगर आप ग्राउंड रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे दो रूम और मिल जाएंगे, एक ग्राउंड फ्लोर पे एक फर्स्ट पे। और मैंने सारी चीजें नीचे लेटरिन बाथरूम इसलिए बना दिया है कि दोस्तों कि सपोज दैट आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप सारी चीजें स्टार्टिंग भी मैनेज कर पाएंगे। ये आपका किचन निकल आएगा, यहाँ पर लेटरिन बाथरूम कंबाइंड हो जाएगा। तो ये होम प्लानिंग दोस्तों आपको कैसा लगा, ये प्लान कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपका कोई भी अदर प्लान आप चाहते हैं कि इतने भाई इतने का सर बनाए, तो मैं आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो भी डिजाइन बनाकर दिखा दूंगा। और लास्ट में आप एक बार ट्रांसपेरेंसी और देख लें, ट्रांसपेरेंसी ये आपका ऊपर से ऐसे दिखेगा और साइड से ऐसे दिखने वाला है, इसमें दीवारें नहीं दिखती दोस्तों, और बेहतरीन सा होम प्लान है। और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक गुजारिश और करूंगा, अगर आपने अभी तक न्यू टेक नाम के फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे वहां पर क्लिक करेंगे आप यहां पर आ जाएंगे और यहां पर एक आपको फॉलो बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि यहां पर भी मैं लेटेस्ट अपडेटेड व्यू लगातार डालता रहता हूं, जैसा कि आप देख सकते हो 20x45 का। तो इसको आप न्यू टेक नाम के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर कोई डाउट आपका रह गया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं,